नमस्कार दोस्तों, स्टडी विला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे 1 सितंबर 2017 का PIB विद क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि देखिए PIB में कोई उतना ध्यान देता नहीं है, ठीक है, लेकिन UPSC वाले बहुत ध्यान देते हैं PIB में, ठीक है। तो आप भी PIB में ध्यान दीजिए और इस पे मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप चलिए चलते हैं, यहाँ पे मैं किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ उन चीज़ों को देख लीजिए, उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। द फर्स्ट ऑप्शन इज 1949, सेकेंड ऑप्शन इज 1948, थर्ड ऑप्शन इज 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1950। तो देखिए इसका सही जवाब है 1948। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कब आते हैं, जब कोई दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे देश के विजिट में आते हैं। तो अभी हमारे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हमारे देश के विजिट में आए हैं, ठीक है। तो देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला कंट्री जिनके बीच में हमारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था वो था स्विट्जरलैंड, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो स्विट्जरलैंड है वो 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब कि FDI जो हमारे देश में आता है 11th लार्जेस्ट स्विट्जरलैंड से आता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ वैसे बताने वाली बातें तो नहीं है, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो मीन्स आज आ जाएगा तो उस पर भी डिस्कस कल कर लेंगे, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये आता है कि नहीं, क्योंकि देखिए पढ़ते तो आप लोग सब कुछ हैं लेकिन आना चाहिए, दिमाग में कितना बैठा पाते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। देखिए मोदी एंड हिज चैलेंजेस, रिसर्जेंट इंडिया आइडियाज एंड प्रायोरिटीज, एक्सप्लोडिंग एस्पिरेशन, अनलॉकिंग इंडियाज फ्यूचर, ये तीनों जो मैंने नाम लिया वो किताब का नाम, ठीक है। बुक्स आर रिटन बाय हुम, द फर्स्ट ऑप्शन इज राजीव महर्षि, सेकेंड ऑप्शन इज MS स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन इज राजीव कुमार एंड फोर्थ ऑप्शन इज सुनील अरोड़ा। तो देखिए ये ऑप्शन पूछने का रीजन है नीति आयोग, क्योंकि अभी अभी जो हमारे अरविंद पनगरिया थे, जो हमारे प्रीवियस वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, वो उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। तो अभी अभी जो हमारे नए चेयरमैन जो आए, वाइस चेयरमैन जो कि राजीव कुमार हैं, उन्होंने ये तीनों किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो उनके लाइफ के बारे में देखिए जब भी अच्छा अच्छा चीज, जैसे कैक का अभी रिक्रूटमेंट जो भी आए हैं राजीव महर्षि जो पुराने हमारे होम सेक्रेटरी थे, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि होम सेक्रेटरी कौन है, फिर होम मिनिस्टर कौन है, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। डेली करें जो न्यूज़ पढ़ते यही सब चीज़ें तो छूट जाती हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा कि कौन के लाइफ में क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये नहीं कि 10 मर गए यहाँ पे, ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राजीव कुमार हमारे न्यूली अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड था, जैसे कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था 2020 ओलंपिक के लिए, 2024 ओलंपिक के लिए और 2028 ओलंपिक के लिए, ठीक है। तो उस टास्क फोर्स के तहत वो मेजर लाएंगे, चेंजेस लाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, क्योंकि देखिए जब 2000 अभी जो हाल फिलहाल हमारा ओलंपिक खत्म हुआ, ठीक है, 2016 का, तो उसमें इंडिया का मेडल उतना जीत नहीं पाया, ठीक है, प्रीवियस के मुकाबले, इसीलिए ये टास्क फोर्स लाया गया ताकि और इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। तो मैं वहीं से डायरेक्ट, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जनरली UPSC वाले पूछेंगे नहीं, लेकिन वो तो पूछेंगे नहीं, इस पर छोड़ दीजिए, लेकिन क्या होता है कि जैसे IBPS हो गया, बैंक भी हो गए, वो सारे जो उन सब का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस, और 2024 ओलंपिक कहाँ होगा, वो होगा पेरिस में, और 2020 ओलंपिक होगा टोक्यो में, ठीक है, मैं समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। तो देखिए उसका ये जो कलर इंडिकेट करता है, आप मुझे ये बताइएगा ये जो येलो कलर है ये किस कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है, याद तो सारा करना है, बस कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा येलो कलर किस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करता है या डिनोट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्राइफेड कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। अब देखिए मैं यहाँ पे फोटो लगाया हूँ तो आपको फोटो देख के तो लग यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा कि ये तो ट्राइबल ही अफेयर लग रहा, पेंटिंग वेंटिंग है,
लग रहा होगा, या आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं रेलवे डेवलप रूरल डेवलपमेंट, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ट्राइबल अफेयर इसका सही आंसर है। मैं आपको ट्राइफेड के बारे में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये 1999 से चल रहा है, ठीक है। ये एक ब्रांड चलाता है ट्राइबल इंडिया। कभी आप लोग कभी जाइए वहाँ पे, वहाँ के जो पेंटिंग होते हैं, जो भी जो ट्राइबल लोग बनाते हैं, जो आर्ट्स बनाते हैं, उनको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। इन सब चीज़ों में कभी कभी देखिए, केवल मॉल मत जाया कीजिए, कभी कभी इन सब चीज़ों में जाइए कीजिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। देखिए, केवल किताब पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ता है, थोड़ा दिमाग घुमाइए इधर उधर और थोड़ा सोचा कीजिए, तब नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जुलाई महीने में ये स्कीम लॉन्च किए थे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन है क्योंकि अभी न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैं पूछा कि अंडर पीएम मातृ वंदना योजना हाउ मच मनी इज गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। तो देखिए, इसका सही जवाब है 6,000, वो भी किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में सारा पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि और ये 2 चाइल्ड बर्थ तक ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 3 4 जितना भी उस बेसिस पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली फास्टैग डिवाइस वॉज डेवलप्ड बाई विच गवर्नमेंट एजेंसी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेबी, सेकेंड ऑप्शन इज इरडा, और थर्ड ऑप्शन इज एनटीपीसी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनएचएआई। तो देखिए, फोटो से तो लग ही गया होगा कि ये कौन सा लॉन्च कर सकता है, मतलब एनएचएआई है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इरडा के चेयरमैन क्या कौन है और इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ये बैंक बैंक के एग्जाम और सेबी का, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट है, ये बैंक है, इस बैंक के एग्जाम इसका है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इनके चेयरमैन के बारे में बता दीजिएगा, ये बैंक बैंक के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, फास्टैग है क्या, ये यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टैग इस तरह के क्वेश्चन बहुत पसंद करते हैं। देखिए, एक डिवाइस है जो कि विंड स्क्रीन में लगेगा, और देखिए, ये टोल प्लाजा होता है, वहाँ पे रिसीवर रहेगा, मीन्स ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, ठीक है। तो जब वो टोल प्लाजा पे आएगा तो वो रिसीव करेगा और आपके अकाउंट, मतलब देखिए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ठीक है। आपको वहां पे वेट करना नहीं रहेगा कि खड़ा होकर आप पैसा दे रहे हैं हैंड टू हैंड तब जाके, नहीं, आपको वो रिसीव कर लेगा आपके अकाउंट से पैसा, मतलब जो भी वो चिप जो भी लगा हुआ है उसमें फास्टैग से डिवाइस से, उसको आप रिचार्ज कराना पड़ेगा, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। उसी बेसिस में वहां पे रिचार्ज कराना पड़ेगा, जब भी एक टोल प्लाजा आप क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, तो वहां से आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये किस बेसिस पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंडियन सिटीज आर सिलेक्टेड अंडर द हृदय स्कीम। तो देखिए, हृदय का फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, ठीक है। छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। तो इस तरह लाइन वाइज नहीं बनाइएगा, याद कर लीजिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो देखिए, इस स्कीम के तहत 12 सिटीज आएंगे, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, ये जो भी सिटीज चुने गए हैं, जहाँ जहाँ अच्छा खासा हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और इसमें टोटल अमाउंट जो स्पेंड होंगे वो होंगे 500 करोड़, ठीक है। और मैं सिटीज के नाम बता देना चाहता हूँ। देखिए, पहला है अमृतसर, दूसरा है ये मथुरा, तीसरा है अजमेर, चौथा है ये वाराणसी, पांचवा है गया, छठा है पुरी, सातवां है अमरावती, देखिए ये अमरावती, आठवां है मेरे ख्याल से वारंगल, नाइन्थ है ये सॉरी बदामी, एंड टेंथ इज व्हाट इज द कांचीपुरम, एंड दिस इज वेलकनकन्नी, ठीक है, और ये द्वारका, ठीक है। तो ये सारी सिटीज का नाम याद रखना जरूरत नहीं है, लेकिन सिटीज कितने हैं, अमाउंट कितना है, और कौन सा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स, हाउसिंग अफेयर, ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक आवर फेसबुक पेज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अस, थैंक यू।